नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है इंडिया कैंपेन की पाकिस्तान के सामने वाले मैच से। ऑब्वियसली बात है, हमारे ये वीडियो है तो हम अपने प्रेडिक्शन फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे जहां पे हम इंडिया बने हैं। प्लेइंग 11 आपके सामने आ रहा है तो मैं बता दूं इंडिया का प्लेइंग 11 मेरा प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है जो शायद हो सकता है। पाकिस्तान का रैंडम है जो इस गेम में था वही। हेड्स के कॉल के साथ पाकिस्तान जाता हुआ क्रिकेट 22 काफी दिनों के बाद खेलने, प्लस वुमेन्स क्रिकेट तो और ज्यादा अलग हो जाता है। जीता है टॉस पाकिस्तान ने, पहला मैच है दोनों टीम का। एक मैच हुआ है रिकॉर्डिंग के वक्त, बैटिंग यहां पे पाकिस्तान लेता हुआ, श्रीलंका और वो वेस्ट इंडीज का था। जो लोग भाई यहाँ वीडियो देख रहे हैं यार, एटलीस्ट लाइक जरूर कर देना और ये कमेंट करके बता देना आप किसकी तरफ हो, इंडिया की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो या फिर आप किसी और टीम को भी सपोर्ट करते हो। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, जरा देखें भाई कि वुमेन्स क्रिकेट के कौन से नेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट है। शिखा पांडे, फर्स्ट बॉल इनसाइड है, जॉब स्टंप उड़ गया कि लेग स्टंप उड़ गया भाई, जो भी हो मुझे अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है तुम्हारे 15 ओवर के गेम प्ले प्रेडिक्शन में। इनसाइड है, जॉब स्टंप, गेंद उड़ाती हुई यहां पर, वर्ल्ड कप का पहला ही गेंद था और पांडे जी ने डंडियां उड़ा दी। 115/8 दीप्ति शर्मा को थमाई गई है गेंद और अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितनी देर टिक पाता है हमारे सामने। वर्ल्ड कप का पहला मैच था, मैंने सोचा लंबा उम्बा चलेगा बट चांसेस कम लग रहे हैं। उछलता हुआ गेंद जा रहा है ऑफ स्टंप पर सिंगल के लिए, मुझे लग रहा है सर्वाइव कर सकती है। अगर पुराना रिकॉर्ड देखता हूं ना एआई का तो एआई बचा लेता है विकेट। विमेंस क्रिकेट आउटसाइड एज, एक डॉट डॉट डॉट, 116/8 से आगे बढ़ाते हैं। इनसाइड एज, आउटसाइड एज, डॉट 3, इनसाइड एज 4 है। टॉप स्पिन ऑफ स्टंप पे एडवांस, वन बाउंस, कैच काफी करीब और बिग हिट के भी काफी करीब, ओवर थ्रो के रन देती हुई इंडिया। आखिरी गेंद 7 रन ओवर से, लास्ट गेंद पे चौका 11 के साथ एंड नहीं हो पाया है। रन आउट 2 नहीं है, अरे यार दौड़ती तो मजा आती, एक ही आया 4 नहीं है। पूजा वस्त्राकर आउटसाइड एज, बढ़िया फील्डिंग, डॉट इकबाल, नो बॉल, बदकिस्मती हमारी, लेट जंप था, फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाती है वो देखना होगा। ठीक है, 4 मिल गया है जिसके थ्रू। साइड बदली, इन स्विंग करती हुई, अब एलबी स्विंग तो देखो 110 का पेस है बट स्विंग खतरनाक। आखिरी गेंद और ये मैक्सिमम हो सकता है, छोटा मैदान है, 6 रन, ये ओवर महंगा रहा है। लेग स्टंप पे गेंद करना और एक्चुअली ऑफ स्टंप से गेंद करना भारी पड़ा है, ओवर द विकेट राइटी के सामने, 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट। अभी तो लग रहा है शर्मा जी सही थी, और पहली गेंद कट करते हुए 4 रन, यहाँ पे पाकिस्तान कमबैक करता हुआ मैच में। 144 लग गया है स्कोर, वुमेन्स क्रिकेट में आसान नहीं होगा, फाइन मत खेलना। गैप शॉट क्रॉस दौड़ रही है, मुश्किल है रोक पाना, चौका एक और। हालत क्या है पता है, किस तरह से ओवर खत्म करो। 4 रन, चौथा चौका, 16 रन, आखिरी 2 गेंद, स्टंपिंग मिस, ये गेम के लॉजिक के कारण 6 चौके नहीं लग रहे, और ये भी मिस, 2 गेंदों पे लगातार बसती हुई अनवर। तेज गेंदबाज भरोसा कायम रखा है, पहली गेंद गैप में 4, कवर पर से बहुत ही बढ़िया गैप, गेंद का डायरेक्शन बाहर ही रखना चाहता है, गति कम की थी, पढ़ लिया था उसको, ऐसे भी ज्यादा मूवमेंट था नहीं। 6 रन, यॉर्कर्स पे जा रहे हैं, बच क्या यार, भला हो कि दीप्ति शर्मा के ओवर्स बाकी हैं। ये तो भाई अनवर तो बीटी हो रही है, 3 बार बीटी हुई लगातार, तीनों पे स्टंपिंग था। मैं भी एक ही जैसी गेंदे कर रहा हूँ बट हाँ कनेक्शन बैठेगा तो 6 जाएगा, कहने ही वाला था कनेक्शन बैठा है, 6 लगा है, क्लीन इट, क्रॉस एंगल, सीधी गेंद, बीट, इकबाल, नहीं फील्डर ही मौजूद नहीं है, ग्रीन कॉन्फिडेंस उनका दिखता हुआ शॉट्स में भी। 43/180 का शानदार स्कोर, क्रॉस कर गई है, आखिरी गेंद डॉट रहेगी, 182 का चेज आया इंडिया के लिए, जो 130/140 लग रहा था वहां 180 प्लस मार के जाना, आई थिंक पाकिस्तान की तरफ ये मैच का रुख मुख मुड़ गया है। यह है समरी, लेट्स ब्रिंग द इंडियन ओपनर्स, क्या ये दोनों मैच जिता पाएंगी या फिर क्या पारी अच्छी बना पाएंगी, 15 ओवर में क्या सिनेरियो बनेगा उस पर सबकी निगाहें हैं। आउट मत होना पहली गेंद पे बच के, सना का सामना हो रहा है, घोष और भाटिया, पहली गेंद क्विक सिंगल, याद रखना है वुमेन्स क्रिकेट है, 1 रन, बाय का, वाह इंडिया वाह, 150 मार दिए हैं और 31 रह गए हैं, 32 रन रह गए हैं यहाँ पे। सादिया इकबाल को दी गई है गेंदबाजी, 6.2 का रिक्वायर्ड रन रेट है और करंट रन रेट जो है वो 10 प्लस का है। अब मैं यहां से क्या खेलता हूँ उस पर सब कुछ डिपेंड है, मैच तो जीतना ही है ये तो पक्का ही है। अब 8 विकेट, ये 2 वापस जा, ओए पता नहीं क्यों नहीं गई थी, कंट्रोल में कुछ इश्यू था। अच्छी खासी गुड टाइमिंग भी मेरे को लग रहा है इनफ होगी, एजिस चालू,
स्विप शॉट, अपील का कुछ फायदा नहीं, पिचिंग ही गलत है। लेग बाय के रन आ रहे हैं, बाय के रन आ रहे हैं अभी तक। स्विप पे ज्यादा भरोसा था। ओके, लूट टॉस कैच करती हुई यहाँ पर फील्डर मिड विकेट पे। अब मुझे उम्मीद नहीं थी, पैरों पे दी थी, मिड विकेट से खेलना चाह रही थी। सिक्स का अटेम्प्ट था, फोर का अटेम्प्ट था, यॉर्कर लेंथ इसलिए चेंज किया शॉट लॉफ्टेड, नहीं तो ग्राउंड शॉट से ही खेल रहे थे आगे। गलती साबित हुआ है यहाँ पे और इंडिया ने अपना तीसरा विकेट खोया है। अभी भी रन रेट 6 से ज्यादा है। पाकिस्तान ऐसे भी लास्ट 5 ओवर में कमबैक करता है, तो लेट्स सी क्या यहाँ पे भी कर पाएगा। 81 मारे ऋषभ घोष ने। तगड़ी खिलाड़ियों को अभी खेलना बाकी है। 4 रन, छोटा मैदान, अरे रोक लिया। दो रन, चलो अच्छा है, दो रन भी देखने को मिले। 25 में 28, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड शॉट है, इनफ है। रेड जोन में गेंदबाजी कर रही है हसन। स्विप अपील आउट। स्विप क्यों नहीं खेली, फ्लिक क्यों खेला, क्या यार, आउट तो है ही, एलबी तो है ही भाई, सामने एकदम गेंद के पकड़ा है, स्टंप्स के सामने खड़ी है, तो डीआरएस का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। रॉड्रिक्स आउट हुई है 4 पे, विकेट झटकता हुआ यहाँ पे पाकिस्तान। शफाली वर्मा, अब देखो गेंद का बाउंस दिख रहा है, बट हाँ मुझे पता था भरोसा नहीं कर सकता, बैकफुट नहीं जा सकता मैं। डबल डबल डबल, एक थर्ड मैन पैक रखा हुआ है, ठीक है, इस बार बैकफुट इनसाइड एज कैच आउट। ओके टाइमिंग, बैट का फेस जब भी ओपन होगा क्रॉस होगा, एजिस के चांसेस बनेंगे, प्लस जो बची कुची कर सकती वो पूरी हो गई। ओके टाइमिंग से, अगर उसकी जगह गुड होता, आइडियल होता, तब तो बात अलग थी, बट यहाँ पर बचने के कोई चांस नहीं। मुनीबा ने कैच भी बहुत अच्छा किया है एज अ कीपर। पॉइंट से वो बिग हिट लग सकता है जिसकी हमें तलाश है, जी हाँ उसी दिशा में खेला है पॉइंट में। 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और दीप्ति शर्मा का यहाँ साथ मिला है, दो के मूड में हैं, दौड़ा दिए रनिंग, ठीक है बॉलर पे तब तो सेफ ही है। लॉफ्टेड लिया, अरे रे यॉर्कर मन में लड्डू फूटा, लास्ट टाइम फूटा था तो विकेट गिरी थी, इस बार फूटा है तो 4 निकला है, टाइमिंग अभी भी गड़बड़ वाला है। फिर यॉर्कर, हम भी चालाक हैं, पॉइंट पे खेलने जा रहे थे, एजिस लगी है बॉटम, 4 रन। हरमनप्रीत सिंगल, बहुत ही अच्छा टाइमिंग, दो ले रही हैं, दो ले रही हैं, रहने दो रहने दो रहने दो, हाँ समझदारी दिखाई। लॉपरेट का मौका है दीप्ति के पास, बट हम जाएंगे अनऑर्थोडॉक्स के साथ, बीट क्रॉस। क्या इस ओवर में फिनिश हो सकता है मैच? हरमनप्रीत वो अभी यहाँ पर सर्वाइवल, थोड़ा बहुत मिसफील्डिंग हुई है, ठीक है आना आना चला था, फाइनल में दौड़ना डिसाइड किया है। 1 रन, वाइट 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 अंपायर देनी चाहिए उनको, जी हाँ एक्स्ट्रा। 6 रन बाकी 5 में, फील्डिंग में बदलाव रन आउट के लिए, इससे बेहतर मौका नहीं, बट गेम अपना कमाल दिखाता हुआ बचाता हुआ। 4 रन, वन ऑफ द बेस्ट शॉट यहाँ पे, अभी भी कह रहा फुटवर्क गुड था, इससे बेहतर हो सकता था गेम के लॉजिक के हिसाब से, बट जिस गति से निकला है, जो आवाज आई, आई थिंक इससे बेहतर नहीं हो पाता, गेम में ही गड़बड़ है, किस तरफ जाएगा, सामने लेना चाहती है, बड़ा शॉट और ये मैच को फिनिश करेगा। टीम इंडिया ने हरा दिया है यहाँ पर पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप 2023 वुमेन्स के T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में, जीत का खाता इंडिया ने खोला इसी के साथ, और अब आगे का सफर आपको आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं बता दूं 6:30 बजे मैच ये चालू होगा ऑनलाइन टीवी पे, हर जगह जहां भी होने वाला है, तो 6:30 पे आप लोग तैयार रहेगा। बाकी यार कमेंट ऑप्शन है, सजेस्ट कर दो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है टीम इंडिया में, और पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान में। बाकी विनर इंडिया के साथ मैं जा रहा हूँ, मेरे प्रेडिक्शन में 6:30 बजे के बाद और क्लियर होगा कि रियल में कौन जीत रहा है। ऋषभ घोष मैन ऑफ द मैच बनती हुई, हरमनप्रीत ने शानदार पारी खेली, पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की बट बॉलिंग में गड़बड़ कर दी सारी। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड डे।